और सत्संग की बड़ी महिमा है, ये तो है ही है, कुसंग की भी महिमा कम नहीं है। हम सब सत्संग की महिमा तो गाते हैं, पर सत्संग की महिमा के साथ साथ कुसंग की महिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। सुदीर्घ काल के कुसंग से अर्जित पाप राशि का क्षय एक क्षण के सत्संग से हो सकता है। सुदीर्घ काल तक कुसंग के द्वारा अर्जित पाप राशि का क्षय एक क्षण के सत्संग से हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से बहुत लंबे समय तक किया गया सत्संग एक क्षण के कुसंग से भी नष्ट हो सकता है, व्यर्थ हो सकता है। इसलिए हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का यह उपदेश, उनकी वाणी हमें बहुत प्यारी लगती। महाराज जी कहते, कुसंग के त्याग के बिना सत्संग का लाभ नहीं होता। इसलिए कुसंग का त्याग ही सत्संग है। खान पान का कुसंग, विचारों का कुसंग, वाणी का कुसंग, दृष्टि का कुसंग, कानों का कुसंग, ये सब कुसंग है। जो नहीं देखना चाहिए वो आंख से देखना कुसंग है, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनना कान का कुसंग है, जो नहीं बोलना चाहिए वह बोलना जिह्वा का कुसंग है, जो नहीं करना चाहिए वह करना ये कुसंग है। सब प्रकार के कुसंग का त्याग करता है उसे सत्संग का लाभ मिलता है। इसलिए कुसंग से सदा बचना चाहिए और साधु संग सदा करना चाहिए। हाँ हाँ, अजामिल को कितनी देर का सत्संग मिला बोलिए। अजामिल को थोड़ी देर का सत्संग मिला। संत आकर घर पर ठहर गए, समझ लिया उन्होंने ये विमुख है, बहुत पतित हो चुका है ये ब्राह्मण, फिर भी रो रहा है, उद्धार की प्रार्थना कर रहा है। इसको भजन साधन बताएंगे तो करेगा तो है नहीं, क्योंकि जब तक हमारी, हम सब संतों की उपस्थिति है, तब तक उन संतों की सात्विकता का जो दिव्य आवरण है उसके सुप्रभाव से इसकी सद्बुद्धि है। देखो, सत्पुरुषों की सन्निधि में दुष्ट पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं उतनी देर के लिए जितनी देर सत्पुरुषों की सन्निधि मिलती। बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु की गोद में आकर बैठे, सत्संग का प्रभाव बता रहे हैं हम आपको। अभी प्रहलाद जी कुछ बोले नहीं है, प्रणाम करके अपने पिता हिरण्यकश्यपु की गोद में बैठे। महाराज जी, श्रीमद् भागवत में लिखा है, सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि प्रहलाद जी के गोद में बैठते ही हिरण्यकश्यपु का हृदय भर आया, द्रवित हो गया, पिघल गया उसका हृदय, उसका उसको रोमांच हो गया, उसका गला रुंध गया। और लिखा है, सुखदेव जी कहते, अपने आंसुओं के जल से उसने भक्त बालक प्रहलाद के मस्तक को सींच दिया, इतना आंसू निकल गया। बताइए, दुष्ट सिरमौर हिरण्यकश्यपु, उसमें ये अष्ट सात्विक भावों का उदय, इन प्रेम के लक्षणों का उदय उसके भीतर कैसे हो गया, ये है संत के स्पर्श की महिमा। क्योंकि सत्संग तीन प्रकार का होता है, दर्शन का सत्संग, समागम का सत्संग जो हम लोग कर रहे हैं, चर्चा भगवत चर्चा, और एक स्पर्श का सत्संग। तो प्रहलाद जी का स्पर्श हो रहा है और प्रहलाद जी का दर्शन हो रहा है। इस सत्संग से उस दैत्य राज की बुद्धि,
उतने क्षण के लिए शुद्ध हो गई,